Hello, friends, welcome to our channel Fine Fettle. I hope you are liking the videos shown on my channel. I try to present good videos for you every day on my channel. Keep your love with me, thank you. Disclaimer The suggestions and tips given in the article are for general information purposes only and should not be taken as professional medical advice. If you have any questions or problems, consult your doctor immediately. बिरदी सीसाओं आदि के नाम से भी जाना जाता है यह पंजाब का राज्य वृक्ष है इस सदाबहार पेड़ की चीकू जितने साइज की छोटी और चिकनी पत्तियाँ होती है इसके छोटे पीले रंग के फूल होते हैं इसमें ढाई से तीन इंच की फलियां लगती है सीसम के पेड़ से लाभ सीसम की लकड़ी का फर्नीचर बनता है जो बहुत मजबूत और भारी होता है सीसम की लकड़ी से तेल प्राप्त होता है जो दवा के रूप में काम आता है इसके अलावा सीसम की छाल जड़ और पत्तियों का उपयोग भी दवा के रूप में हो सकता है सीसम की मदद से कई प्रकार की शारीरिक परेशानी जैसे पाचन की समस्या जोड़ों में दर्द आंखों में जलन आंखें लाल होना नक्सीर आना दांत या त्वचा संबंधी परेशानी में लाभ मिल सकता है दर्द के लिए सीसम का तेल दांत में सिर में या जोड़ों में दर्द हो तो सीसम के तेल से आराम मिल सकता है सिर दर्द हो तो इसके तेल की मालिश करनी चाहिए दांत में दर्द हो तो सीसम के तेल में रुई का फाया भिगोकर दांत पर रखना चाहिए जोड़ों में दर्द हो तो सीसम का तेल गर्म करके जोड़ों पर मालिश करने से लाभ होता है आंख में जलन हो सीसम के कोमल पत्ते अच्छे से धोकर पीस ले इसकी लुगदी को रात को सोते समय आँखों के ऊपर रखकर हल्के से बांध ले इससे आँखों के दर्द जलन और लालिमा से मुक्ति मिलती है शरीर में जलन कुछ लोगों को शरीर में जलन महसूस होती है इसके लिए शीशम का तेल जलन वाले हिस्से में कुछ दिन लगाने से जलन ठीक होती है पेट की जलन पेट में जलन होने पर शीशम के कुछ पत्ते पीस कर एक गिलास पानी में मिला ले इसे छान ले फिर उसमें मिश्री मिलाकर पीने से पेट की जलन में आराम मिलता है पेशाब की परेशानी पेशाब रुक रुक कर आना पेशाब करते समय जलन होना या दर्द होना इन सब परेशानियों में शीशम के पत्ते का काढ़ा बनाकर सेवन करने से लाभ मिलता है स्तन की सूजन महिलाओं को अक्सर स्तन में सूजन की समस्या हो जाती है ऐसे में सीसम के पत्तों को गर्म करके स्तनों पर बांधने से सूजन ठीक हो जाती है सीसम के पत्तों के काढ़े से स्तनों को धोने से भी सूजन में आराम मिलता है सीसम के पत्तों की भाप भी लाभप्रद होती है रक्त संचार आधा कप दही में एक चम्मच शक्कर और एक चम्मच सीसम के पत्तों का रस मिलाकर लेने से रक्त संचार में लाभ होता है मासिक धर्म की परेशानी सीसम के पत्तों का काढ़ा दिन में दो बार आधा कप पीने से मासिक धर्म के समय होने वाले दर्द में आराम मिलता है सीसम के आठ से दस पत्ते मिश्री के साथ पीस कर लेने से मासिक के समय अनियमित रक्त स्राव सामान्य होता है ल्यूकोरिया सीसम के पत्तों का काढ़ा बनाकर इससे योनि को धोने से ल्यूकोरिया में लाभ होता है साथ ही सीसम के पत्ते मिश्री के साथ पीस कर सुबह इसका सेवन करना चाहिए त्वचा रोग सीसम का तेल त्वचा पर लगाने से चरम रोग ठीक होते हैं यह खुजली भी ठीक करता है साथ ही आधा कप सीसम के पत्तों का काढ़ा भी पीना चाहिए रक्त विकार सीसम की लकड़ी का बुरादा पानी में भिगोकर उबालकर बुरा मिलाकर पीने से रक्त विकार दूर होते हैं इस उपाय से बवासीर का रक्त श्राव और मासिक का अधिक श्राव भी ठीक होता है डियर व्यूअर इफ यू लाइक थैंक यू वेरी मच फॉर the entire वीडियो